गुड मॉर्निंग राधे राधे। आज हम आलू बैंगन की सब्जी, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी, रसेदार सब्जी बनाएंगे। उसके लिए हम 250 ग्राम बैंगन लिए हैं, उसको कटिंग कर लिए हैं, पानी में डाल के थोड़ा देर छोड़ के उसको छान लिए। आलू 3 आलू काटे हैं, लंबे लंबे शेप में, छिलके वाली छिला आलू का छिलका उतने ही छीले हैं, ऐसे ही बनाएंगे इसको। और 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, कढ़ाई गरम करते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, थोड़ा सा, 2 चम्मच। अब इसमें हम जीरे का फोरन डालेंगे, चार 5 दाने मेथी का, 1 चुटकी हींग। सब क्रैकल हो गए, अब थोड़ा सा हल्दी डाल के आलू को डाल देंगे। इसको लाल होने तक इसको भूनेंगे आलू को। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है आलू। अब इसमें हम बैंगन डाल देते हैं, 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से चला लेते हैं, बैंगन को भी हम भून लेंगे अच्छे से। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। बैंगन मेरा हल्का लाल हो चुका है, इसमें टमाटर डालते हैं और मसाला भी डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। अब मसाले को भून लेंगे अच्छे से। देखिए मसाला भून गया अच्छे से, तेल छोड़ दिया है बगल बगल, देखिए। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर चावल के साथ खाना चाहते हैं तो ग्रेवी ज़्यादा बनाई रखिएगा, और रोटी के साथ या पराठा के साथ खाना है तो ऐसे भी सूखा सब्जी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। हम तो आज चावल के साथ खाएंगे इसको, इसलिए हम रस वाला सब्जी बनाएंगे। इसमें हम पानी डाल देते हैं, अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि आलू अच्छे तरह से पक जाए। 5 मिनट इसको ढक के छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गया, अब इसको हम देखते हैं। देखिए सब्जी तैयार हो गया। आलू अच्छे से गल गया है, देखिए कट रहा है। हाफ टी स्पून अभी गरम मसाला डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता, तो इस मिला लेते हैं इसको। देखिए आलू बैंगन की तरी वाली सब्जी तैयार है। आपको मेरी आलू बैंगन की सब्जी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरी सब्जी अच्छी लगी तो आप हमको बताइएगा कि कैसा आप कैसा बनाए मेरी रेसिपी को देख के। ठीक है दोस्तों, चलिए खाने चलते हैं सब्जी और चावल। चलिए आप भी खाइए, हम भी खाते हैं। राधे राधे दोस्तों।